बच्चों, आज आपको हम सुनाते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें एक दादी और एक कौवा होता है। एक नदी के किनारे एक छोटा सा घर था। उसमें एक बूढ़ी दादी रहा करती थी, जो वहीं खाना बनाया करती थी और कई खेतों में काम किया करती थी। वो एक बार खाना बना रही थी और रोटी को सेक रही थी। तभी ऊपर एक पेड़ पर एक कौवा बैठा था। कौवा जैसे ही उड़ के दादी के पास आया, दादी बोली, ए कौवे, मेरी रोटी पर बुरी नजर मत डाल, चल भाग यहाँ से। दादी ने उसको एक जोर का मारा और कौवा उड़ के दोबारा से ऊपर जाकर बैठ गया और रोटी की तरफ देखने लग गया। दादी को भी रोटी की चिंता हो गई। तभी दादी को और इसी तरह दादी उस कौवे से रोटी की रखवाली करती रही। पर दादी तभी दादी को एक काम याद आया और दादी उस काम को करने के लिए घर से बाहर चली गई। जब दादी चली गई, कौवे ने मौका देखा और तुरंत उड़ के नीचे आ गया। उसने इधर उधर देखा, कहां यहां कोई नहीं है। उसने रोटी को उठाया और रोटी को उठा के फुर हो गया और उड़ता 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 बहुत दूर आ गया, बहुत दूर आ गया। और आके एक ऐसी ऊंची जगह पर बैठ गया जहाँ पर वो आराम से अपनी रोटी को खा पाए। रोटी भी उसी के साथ साथ उसकी चोंच में ला के और कौवा रोटी को खाने लगा। उसे एक बंदर बड़े जोर से देख रहा था। बंदर को फिर भूख लगी। उसने सोचा, ये रोटी अगर मुझे मिल जाए तो। कौवा ऊपर बैठा बैठा रोटी खाए जा रहा था। नीचे बंदर को के पेट में चूहे कूद रहे थे। बंदर को कुछ युक्ति नहीं सूझ रही थी। तभी बंदर बोला कौवे की तारीफ करते हुए, अरे कौवे, तुम तो कितने सुंदर हो और तुम्हारा रंग कितना प्यारा है। तुम्हारी आवाज तो लाजवाब है, जरा मुझे तुम्हारा एक गाना तो गा के सुनाना। अपनी तारीफ सुनकर कौवा ये भूल गया कि उसके पास चोंच में रोटी पकड़ी हुई है और वो जैसे ही चिल्लाया अपनी तारीफ में गाना गाने लगा। रोटी फट से बंदर के पास आ गई और बंदर ने वो रोटी खा ली। दोस्तों, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी तारीफ में कभी भी किसी की जाल में नहीं फंसना चाहिए और हमेशा गर्व से रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।